क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ़ द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास कोई कण है उसका आर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के समानुपाती हैं. शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज इक्वेंगुलर स्पायरल. तब मेरे को दिखाना है कि उसका जो पार्टिकल का पाथ है वो एक समकोणीय सर्पिल है. किस तरह का सर्पिल है? समकोणीय सर्पिल है. इफ़ द रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन. अगर ये ऊपर वाला रिलेशन, ऊपर वाला संबंध, यानी क्वेश्चन ये है इज ऑल्सो ट्रू फॉर द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन, कहना चाह रहा है कि अगर रेडियल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल के लिए, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तब उस कण की तब उस कण का जो पाथ दिखाना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, उसकी जो वेलोसिटी दिखानी है वो दिखानी है सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर, यानी उसकी जो चाल है पार्टिकल की, जो चाल है रेडियस वेक्टर की, रेडियस वेक्टर की कुछ पावर के बराबर है. ओके उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कहना चाह रहा है, या उसके डायरेक्टली बराबर है. प्रोपोर्शनल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब कोई कॉन्स्टेंट होगा. क्लियर है ना? देखते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है. मेरे को दे रहा है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. गिवन दैट रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है ट्रांसवर्स वेलोसिटी के, क्लियर. और आप जानते हो कि मेरी जो रेडियल वेलोसिटी होती है बेटा वो होती है आर डॉट, ओके आर डॉट मान लो, या आप डी आर ओवर डी टी मान लो. ओके डी आर ओवर डी टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी के. आपको भी पता है कि जब प्रोपोर्शनल निशान को बराबर के निशान में कन्वर्ट किया जाता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है. मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा, मैंने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ले लिया लैम्बडा आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी. ओके मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का कंसेप्ट लगाया, डी टी से तो डी टी कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा डी आर अपॉन आर, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी थीटा. क्यों? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड वी कैन यूज़ द वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन, एंड बाई यूजिंग द वेरिएबल सेपरेबल कंडीशन दिस इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी थीटा. और जब मैं इसका इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास निकला बेटा इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटीग्रेशन डी थीटा. यहाँ से मेरे पास हुआ बेटा, ये हुआ मेरे पास लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू थीटा प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, मैंने लॉग सी ले लिया. सवाल पैदा ये होता है कि आपने यहाँ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट का यूज़ क्यों किया? बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट चलता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट नहीं चलता है. आप इस चीज़ को जानते हो, 12th क्लास की बात है. ओके आगे की तरफ चलते हैं. यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आ बेटा सीधे का सीधा वो ये निकला कि डी आर ओवर डी टी की जो वैल्यू निकली, देखो आप क्या निकला, मेरे पास हुआ लॉग आर इज इक्वल टू हुआ लैम्बडा थीटा प्लस के लॉग ऑफ सी. मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया और रिजल्ट निकाल लिया. ओके इसी कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और मैं लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ से निकला बेटा, ध्यान से देखना है आपको,
कितना निकला, ये हुआ लॉग आर माइनस के लॉग सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू थीटा, और यहाँ से रिजल्ट बना लॉग आर अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू थीटा। और जैसे ही मैं लॉग प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा मेरे पास निकलेगा आर अपॉन सी इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा इंटू थीटा, और आर की वैल्यू निकाली आर इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर लैम्डा इंटू थीटा। ओके, जो के ये जो इक्वेशन आर की आई है जो कि इक्वेंगुलर स्पायरल है, जो कि इक्वेंगुलर, स्पेलिंग गलत हो सकती है, इक्वेंगुलर स्पायरल है, स्पायरल की इक्वेशन है। एक रिजल्ट तो मेरा क्लियर हो चुका। सेकंड क्वेश्चन, इसके सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इफ़ द रिलेशन, ध्यान से देखना है बेटा आपको, इफ़ द रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर द रेडियल एंड ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन, यानी क्वेश्चन ये है कि रेडियल एक्सीलरेशन समानुपाती है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के, या आप ये भी बोल सकते हो रेडियल एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन गिवन सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट क्या गिवन है कि रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दिया है रिलेशन इज ट्रू फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, लेकिन बेटा इस कंसेप्ट का यूज़ करने से पहले जो मेरे पास सिचुएशन है वो एक और देख लूँ मैं। देखो आप, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इधर लिखूँगा मैं एक बात और, मेरे पास है डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू है लैम्डा आर डी थीटा ओवर डी टी। इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, डी आर ओवर डी टी का मतलब आर डॉट इज इक्वल टू है लैम्डा आर इंटू थीटा डॉट, मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया। क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है बेटा, देखो आप, क्वेश्चन के अंदर दिया है कि रेडियल एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। ओके, चलते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन जो होता है मेरे पास वो होता है फार्मूला डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर, डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के आर इंटू डी थीटा ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। ये तो मेरे पास रेडियल एक्सीलरेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होता है वन अपॉन आर डी ओवर डी टी आर स्क्वायर इंटू डी थीटा ओवर डी टी। क्लियर, एक काम करो, ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है जब मैं इसको इक्वल निशान में कन्वर्ट करता हूँ तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और मैं एक और भी यूज़ कर रहा हूँ डी आर ओवर डी टी की वैल्यू डॉट में यूज़ करूँगा, डी आर ओवर डी टी को मैं लिखूँगा आर डॉट, डी थीटा ओवर डी टी को लिखूँगा मैं थीटा डॉट। इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, रिजल्ट तो सेम ही रहने हैं, ये जो स्पेस है ना कॉपी का ये थोड़ा सा बच जाएगा। ओके, मैं इसको लिख सकता हूँ आर डबल डॉट, क्लियर, माइनस आर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू, मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिया म्यू, और यहाँ हुआ बेटा मेरे पास वन अपॉन आर डी ओवर डी टी। ओके, और ये हुआ आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, कोई आपत्ति है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है। ओके, इस रिलेशन से चूंकि आर डॉट इज इक्वल टू है मेरे पास लैम्डा आर थीटा डॉट से, थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या है आर डॉट अपॉन लैम्डा आर
इक्वेशन वन में पुट करने पर, इक्वेशन वन ए में क्या करने पर, पुट करने पर, बस मेरा काम बन जाएगा। देखो अभी अब क्या होगा, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके अब आना है, आर डबल डॉट तो ऐसे ही रहा भाई, आर डबल डॉट तो ऐसे ही रहा, माइनस आर इंटू थीटा डॉट की बात करता हूँ, थीटा डॉट का स्क्वायर है और थीटा डॉट की वैल्यू है मेरे पास आर डॉट डिवाइडेड बाई लैम्बडा आर का कंप्लीट स्क्वायर, कोई आपत्ति, इज इक्वल टू ये हुआ मेरे पास बेटा म्यू अपॉन आर, तो ये हो चुका, और यहाँ है डी ओवर डी टी, यहाँ आर स्क्वायर तो ये है ही, और थीटा डॉट की वैल्यू हुई मेरे पास आर डॉट अपॉन लैम्बडा इंटू आर, कोई प्रॉब्लम नो, आगे की तरफ चलते हैं, जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आ बेटा वो रिजल्ट ये निकला, आप भी देख सकते हो भाई, सीधा सीधा जो बना मेरे पास क्या बना, ये हुआ आर डबल डॉट माइनस आर इंटू आर डॉट का स्क्वायर, आर डॉट स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर, और यहाँ है डी ओवर डी टी, ये हुआ आर स्क्वायर आर डॉट अपॉन लैम्बडा इंटू आर, क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं, अगर ये आ चुका तो यहाँ से मेरे पास जो सीधा सीधा निकल करके आ बेटा, भाई देखो आर डॉट स्क्वायर ना एक आर से तो आर कैंसिल, सीधी सी बात है, कितना बन गया भाई ये हुआ आर डॉट माइनस आर डॉट स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आर, क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं, इज इक्वल टू ये हुआ बेटा म्यू अपॉन आर, तो ये हो चुका एक आर से आर कैंसिल, क्लियर, म्यू अपॉन आर ओके और आर के साथ लैम्बडा भी कॉन्स्टेंट है, ये मैंने ले लिया बाहर, और यहाँ बचा मेरे पास डी ओवर डी टी आर इंटू आर डॉट, अब अगर मैं डी ओवर डी टी अलग से निकाल रहा हूँ, डी ओवर डी टी आर इंटू आर डॉट निकालता हूँ, पहले वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, एक तो होगा आर डबल डॉट आर, क्लियर, आर डबल डॉट आर हुआ प्लस, अब की बार पहले वाला एज इट इज, ये दूसरे वाला एज इट इज, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन आर डॉट, क्लियर भाई, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, सेकंड फंक्शन हुआ, पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन डबल डॉट आएगा, अब की बार ये वाला एज इट इज, सॉरी ये वाला एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या ही आएगा, इसको लिख सकता हूँ बेटा आर इंटू आर डबल डॉट प्लस आर डॉट इंटू आर डॉट का स्क्वायर, मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, मेरे पास यहाँ से निकला बेटा आर डबल डॉट माइनस आर डॉट स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन लैम्बडा इंटू वन अपॉन आर, और इसकी वैल्यू हुई मेरे पास आर इंटू आर डबल डॉट प्लस आर डॉट का स्क्वायर, कोई आपत्ति नो मैंने इसको रीसेट किया, ध्यान से देखना मैंने इसको रीसेट कैसे किया, ये हुआ मेरे पास आर डबल डॉट माइनस, इस सारे का अंदर गुणा किया माइनस, पहले लिख लूँ एक बार, आर डॉट का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास आर आर डबल डॉट म्यू अपॉन लैम्बडा आर प्लस, ये हुआ मेरे पास म्यू अपॉन लैम्बडा आर इंटू आर डॉट का स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, में इसको इस तरफ लेकर के आ रहा हूँ, मेरे पास जो निकल करके आया बेटा आर डबल डॉट माइनस आर डबल डॉट माइनस आर डबल डॉट म्यू अपॉन लैम्बडा, ये निकल गया इज इक्वल टू, इन दोनों को उस तरफ लेकर के जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ये हुआ मेरे पास बेटा आर डॉट का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आर
प्लस के म्यू अपॉन लैम्बडा आर इंटू आर डॉट का स्क्वायर। ओके, मैंने यहाँ से आर डबल डॉट कॉमन ले लिया। आर डबल डॉट कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा वन माइनस के म्यू अपॉन लैम्बडा होगा ना, आर डबल डॉट मैंने कॉमन ले लिया वन माइनस के, ये बचा मेरे पास म्यू अपॉन लैम्बडा। ओके, इज इक्वल टू इस तरफ मैंने आर डॉट का स्क्वायर अपॉन आर कॉमन ले लिया, दोनों जगह है मेरे पास। कितना बचा भाई, एक तो बचा मेरे पास यहाँ से म्यू अपॉन लैम्बडा बचा, म्यू अपॉन लैम्बडा बचा, और यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा बेटा, आर डॉट का स्क्वायर तो कॉमन ले रखा है, यहाँ से मेरे पास बचेगा वन अपॉन प्लस के वन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, प्लस के वन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। कोई भी आपत्तियाँ आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो अगला स्टेप आया बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा स्टेप है लेकिन आसान है, इसको लिखा जा सकता है बेटा आर डबल डॉट इज इक्वल टू आर डॉट का स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ होगा म्यू अपॉन लैम्बडा प्लस वन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, और इससे मैंने कर दिया इसको भाग, ये हुआ वन माइनस के म्यू अपॉन लैम्बडा। देखो आप, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। इसको मैंने इससे भाग कर दिया, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सारी कांस्टेंट क्वांटिटी एक तरफ ले ली मैंने, और मैंने क्या किया इस कांस्टेंट क्वांटिटी को, मैंने ये किया कि भाई लैम्बडा म्यू अपॉन लैम्बडा प्लस के वन अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस के म्यू अपॉन लैम्बडा बराबर एक नया कांस्टेंट के मान लिया मैंने। क्यों, आपको भी पता है भाई कांस्टेंट को जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो जो भी कुछ करते हैं ना, कांस्टेंट ही रहता है, सीधी सी बात है। इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने इसको नया कांस्टेंट के मान लिया। ओके, अब जैसे जैसे ही मैंने नया कांस्टेंट के माना, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, अब देखते हैं क्या हुआ मेरे पास। सीधा सीधा ये बना बेटा आर डबल डॉट इज इक्वल टू आर डॉट का स्क्वायर अपॉन आर इंटू के। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे पास निकला आर डबल डॉट, इसके बटे में मैंने डाल दिया आर डॉट इज इक्वल टू हुआ आर डॉट अपॉन आर, आर डॉट अपॉन आर इंटू के। अब ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन तो ये रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है आपके सामने है, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन बी है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो आप, एक हल करके दिखा रहा हूँ। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट आर इज इक्वल टू पी, तो अगर मैं आर डॉट की बात करूँगा, आर डॉट इज इक्वल टू यानी डी आर ओवर डी टी की बात करूँगा, ये लो पूरा लिख लो, डी आर ओवर डी टी की बात करूँगा, मेरे पास होगा डी पी ओवर डी टी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आर डॉट इज इक्वल टू होगा मेरे पास कितना होगा, ये सीधे का सीधा डी पी होगा यहाँ पे। आप भी समझ भाई, इसका डिफरेंशिएशन नहीं रखा हुआ, इसके करने की जरूरत नहीं है यार, बीएससी पार्ट वन का है, इंटीग्रेशन डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट रिजल्ट निकल जाएगा। आप तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, ये 10-5-4 स्टेप बढ़ जाएंगे, क्या मतलब निकल रहा है यार। इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ इक्वेशन बी को, इंटीग्रेट करने पर, इतना तो आप समझते ही हो, इंटीग्रेट करने पर आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट, ओके, और इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, इसलिए डी टी होगा इज इक्वल टू आर डॉट अपॉन आर इंटू डी टी और इंटू के, लॉग की फॉर्म में आ चुका, ये निकला लॉग आर डॉट इज इक्वल टू लॉग आर इंटू के लॉग आर करूँगा मैं, के लॉग आर, और प्लस के मैंने लॉग प्रॉपर्टी से लॉग कांस्टेंट लॉग एन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, इधर ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हुआ मेरे पास लॉग आर डॉट इज इक्वल टू, इसमें प्रॉपर्टी लगाई के, ये लिखा जा सकता है लॉग आर की पावर के प्लस के
log n, फिर इसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई करी, log r the power n is equal to, इसको लिख सकता हूँ बेटा log n into r की पावर k, मेरे पास log m into n बराबर होता है log m प्लस के log n, log r की पावर n बराबर होता है n log r, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का मैंने यूज़ कर लिया। ओके मैंने log से log कैंसिल किया, r डॉट की वैल्यू निकली, कितनी निकली n into r की पावर k, क्लियर n into r की पावर k। आगे की बात करता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो सीधा निकल करके आ रहा, ध्यान से देखना है बेटा, n into r की पावर k के बाद हुआ जाए एक्चुअल में, आगे देखता हूँ। अभी मेरे पास r डॉट की जो वैल्यू आई, r डॉट निकला n into r की पावर k, ओके और r डॉट की वैल्यू जो है मेरे पास सीधा सीधा, चूंकि ध्यान से देखना अभी बता रहा हूँ, r डॉट क्या है ये देखो आप, कहीं ना कहीं मैंने लिखा हुआ है r डॉट जो है बेटा मेरे पास वो ये है, चूंकि r डॉट जो है ना वो है लैम्डा इंटू आर इंटू थीटा डॉट, बता रहा हूँ कहाँ से है, ध्यान से देखना है, r डॉट इसी पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये देखो बेटा r डॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, लैम्डा r इंटू थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थीटा डॉट भी बता दूंगा, थीटा डॉट की वैल्यू मेरे को यहाँ से निकाल लूँगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। r डॉट कितना है, r डॉट इज इक्वल टू है लैम्डा r इंटू थीटा डॉट, ओके वही मैंने वैल्यू यूज़ कर ली, r डॉट इज इक्वल टू है लैम्डा r इंटू थीटा डॉट, ओके आगे चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो निकला r डॉट की दोनों वैल्यू बराबर की मैंने, मेरे पास कितना निकल गया भाई, यहाँ से सीधा सीधा निकला मेरे पास, देखो आप n इंटू आर की पावर k इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, और यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू निकाली, r इंटू थीटा डॉट निकाला मैंने, r इंटू थीटा डॉट इज इक्वल टू हुआ मेरे पास n अपॉन लैम्डा, n अपॉन लैम्डा इंटू आर की पावर k, क्लियर। सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने निकाले क्यों ये, सवाल पैदा ये होता है कि सर आपने ये निकाले क्यों, एक तो मैंने ये क्यों निकाला और एक मैंने यही क्यों निकाला, ओके क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा मैंने इसलिए निकाले, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इस वेलोसिटी को निकाल लिए मेरे को इसलिए किया मैंने, नाउ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, नाउ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, कुछ भी मान सकते हैं आप, v बराबर अंडर द रूट रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर द रूट रेडियल वेलोसिटी, देखो आप रेडियल वेलोसिटी तो है आपके पास ये, देखो आप रेडियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, r डॉट की बात करता हूँ मैं, r डॉट कितना निकला है मेरे पास, रेडियल वेलोसिटी ये है लैम्डा r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये मान लो या ये मान लो बात एक ही, दोनों से रिजल्ट वही निकलेगा, लैम्डा r, r डॉट कितना है भाई मेरे पास, लैम्डा r इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर, रेडियल वेलोसिटी प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है मेरे पास कितना भाई, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है आर आर इंटू थीटा डॉट, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है, कितना है लैम्डा अपॉन सॉरी एन अपॉन लैम्डा इंटू आर की पावर के, क्लियर ओके आगे की बात करता हूँ, वी के अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ रिजल्ट निकालता हूँ, वी इज इक्वल टू लैम्डा आर थीटा डॉट, लैम्डा आर थीटा डॉट देखो कितना है, लैम्डा आर थीटा डॉट की वैल्यू है एन इंटू आर की पावर के का स्क्वायर,
एन इंटू आर की पावर के का कितना भाई स्क्वायर, लैम्डा आर थीटा रूट की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे पास, एन इंटू आर के का स्क्वायर, और फिर मैंने प्लस किया, प्लस के मेरे पास कितना निकला भाई, ये हुआ एन अपॉन लैम्डा इंटू आर की पावर के का स्क्वायर। ओके, यहाँ से मैंने आर की पावर वी इज इक्वल टू आर की अंडर द रूट आर की पावर के का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ मेरे पास बचा, एक तो बचा एन स्क्वायर प्लस के एन अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। इससे जब मैं अलग अलग के ऊपर रूट करूँगा बेटा, यहाँ से देखना है v इज इक्वल टू, ये तो रूट से बाहर, r की पावर k इंटू अंडर दी रूट, ये हुआ n स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, सारे का सारा कॉन्स्टेंट है। तो v इज इक्वल टू r की पावर k इंटू a, इस सारे कॉन्स्टेंट को मैंने अपनी सुविधा अनुसार a मान लिया, क्लियर है ना सारा, क्योंकि नियतांक है और ए भी मेरा नियतांक है। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या निकली बेटा, v इज इक्वल टू निकला a इंटू आर की पावर के, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर के। ओके, यानी v समानुपाती है r की पावर के, ये ऊपर पावर है बेटा। ओके, आगे क्वेश्चन देखता हूँ। आज ये कहना चाह रहा है कि सो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वेरीज सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर, वेलोसिटी इज द वेरीज सम पावर ऑफ द रेडियस वेक्टर आपके सामने है। ओके, और इसी को बोल सकता हूँ मैं हैंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का, आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम भी भेज सकते हैं। लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथडोलॉजी टीचिंग मेथड अच्छा लगता है या आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती कोई नहीं है यार, जिसे ज़रूरत पड़ेगी वो आएगा भाई, सीधी सी बात है। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल के ऊपर आओ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, तुम्हें अगर अच्छा लगता है 100 बार तो चैनल से जुड़ो, अदरवाइज गो। तुम्हारे जैसे हज़ारों स्टूडेंट हैं, जो मेरे बच्चे हैं मेरे कोचिंग की क्लास में बैठे हुए हैं, ये मोर देन सफिशिएंट। क्यों राहुल, क्यों संजय, एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है मेरे को, ठीक है ना, बाय।